और इसके साथ फिर खुराफात ये जो शामिल हो चुकी हैं, इसने मुआशरे को पीस के रख दिया है। जो मजारात पे हो रहा है हम डट के इसका इनकार करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा जायज नहीं है, बल्कि हमारे इमाम इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि सजदा कुबूर बिल इत्तेफाक हराम है और तवाफ कुबूर बिल इत्तेफाक हराम है, ज़ियारत कुबूर बिल इत्तेफाक जायज है, बोसा कुबूर मुख्तलिफ ही है, अहवत यह है कि ना दिया जाए। यानी बोसे से भी अगर गुरेज कर लिया जाए तो किसी को कोई और शायबा ना हो तो यह भी बेहतर है, लेकिन खैर बोसे के बारे उलमा कायल हैं, उस पर दलाइल भी मौजूद हैं, लेकिन कब्रों के सामने यूं ही खड़े हो जाना और खड़े होकर के यूं सर झुकाना यह जायज नहीं है। अल्लाह ये तो उसको भी पता है किसी के आगे सर नहीं झुकाना, हजरत मुजद्दद की तालीम क्या थी, यही बात कही थी अकबर ने कि सजदा नहीं करते तो सारी झुका दी, आपने फरमाया नहीं झुकाऊंगा। फिर उसने आपको दरबार में बुलवाया, साजिश की, दरवाजा छोटा रखा कि हजरत मुजद्दद अल फिसानी जब दाखिल होंगे तो सर झुका के तो गुजरेंगे तो कहूंगा लो सर झुका ही लिया, लेकिन जिनके सर को अल्लाह बुलंद करे कौन झुका सकता है। हजरत मुजद्दद जब दरवाजे पे पहुंचे तो समझ गए कि ये मेरे लिए एक जाल बुना गया है कि झुकूंगा तो गुजरूंगा, आपने पहले अपनी टांगे दाखिल की। तो इकबाल खिराज पेश करता है, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहर पर, वो खाक के जेरे फलक मतला अनवार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्स गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। इसलिए किसी किसी को अपने सामने झुकाना या कोई मेरे लिए खड़ा हो, हुजूर ने यह भी फरमाया कि जो शख्स ये इरादा रखे कि मेरे लिए लोग खड़े हों अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करे। आज खुद अगर कोई खड़ा हो जाए तो ये उसकी मर्जी, और हज़रत साद आए, हुजूर ने फरमाया कूमू इला सय्यदकुम, ये तुम्हारा सरदार आया इसका उठ के इस्तकबाल करो, लेकिन अगर कोई खुद चाहे कि मेरे लिए खड़े हो तो उसके लिए ये वईद फरमाई। इस तरह अगर तुम्हारे कोई हाथ चूम लेता है लेकिन हाथ चूमने के बगैर यूं गर्दन झुकाना ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हाथ चूमने के लिए तो वो सहाबा के अमल से साबित है, लेकिन अगर कोई चाहे कि मेरे हाथ चूमे जाएं, और अगर जो नहीं चूमता तो उससे नाराज हो जाते हैं। मैं एक दफा एक साहब को मिलने गया तो हम हर शख्स के हाथों नहीं ना चूमते, आखिर जो है वो किसी के हाथ चूमने हो तो फिर कुछ देखना भी तो होता है, दिल उसे दे दें जो दिल भर ही ना हो, तो हम तो किसी किसी के हाथ चूमते हैं ना, हम वो हाथ चूमते हैं, वो पांव चूमते हैं जो राह हक के मुसाफिर होते हैं, हम उन हाथों को बोसा देते हैं, और अगर हमारी आंखों की पलकों के साथ लग जाएं तो इजाज़ समझते हैं। तो खैर मैंने मुसाफा किया तो नाराज हो गए, उन्होंने पकड़ के मेरे हाथ चूम लिए, कहने लगे लो क्या बिगड़ा है मेरा, मैंने कहा कि ठीक है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन मेरा भी क्या बिगड़ा अगर नहीं चूमे तो ये अजीब सी कहानी है, नाराज हो जाते हैं, एक बुतखाने बने हुए हैं, लोग आए हमें खुदा मुलाओ, तुमने अपनी पूजा शुरू करवा दी, लोग आए कि खुदा का नाम जपा जाए और तुम सिर्फ अपनी ही खुशामद चाहते हो, हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र हो। मैं कितने आरास को जानता हूं जहां अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं होता, पीर का ही जिक्र होता है, करामतें बयान होती हैं, और फिर आजकल झूठी करामतों का एक कारोबार चला हुआ है, अजीब रंग ढंग है, अजीब बात है, ख्वाबें घड़ी जा रही हैं, करामतें घड़ी जा रही हैं, मेरे पास भी कई लोग आए ख्वाबें लेकर, जी ये हमने देखा है, मैंने कहा तुमने देखा होगा मैंने नहीं देखा है। लोग बड़े मफाद परस्त हैं, बड़े बड़े रंगों में आते हैं। एक बंदा मेरे पास एक दफा आया कि जी मेरे पास 12 मुए मुबारक है, मैं दो आपको देना चाहता हूं। मैंने कहा तू लूट सेल लगाई, मुए मुबारक कोई तमाशा है, जहां से मर्जी को बाल उठा के कह देता है ये हुजूर का मुए मुबारक है, ये कोई तमाशा है, अगर कोई है और कसरत से दुनिया पर मौजूद है वो तो बरकत वाली बात है, लेकिन आज हर लाइन में राजदार दीन शुदे वाली बात है, और हर शख्स जो मर्जी दावा। एक बंदे ने एक दिन मुझे रात को फोन किया, जनाब कहां है, मैंने कहा घर में, कहने लगा बाहर निकल के देखो, मैंने कहा क्या है, कहा जी आसमान की तरफ देखो, मैंने कहा हुआ क्या है, कहने लगा चांद के अंदर हुजूर की तस्वीर है, मैंने कहा तू पागल है, लोगों ने जिंदगियां गुजार दी और ज्यारत ना हुई, और तू जो है लूट से लगा दी हुई है कि चांद के अंदर तस्वीर लगा दी, मैंने कहा कमाल है, कोई बात करने वाली है तेरी, हमारे यहां ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी इतनी फैल गई है कि जो जो बात करे लोग पीछे दौड़ पड़ते हैं। कई ऐसे वाकयात हुए हैं, कोई कहता है मेरे घर में हुजूर के कदम लगे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ये लोग अल्लाह से डरते नहीं है, खौफ नहीं करते, झूठी ख्वाबें झूठी करामतें अगर सच्ची हैं तो मैं उनका इनकार नहीं करता, लेकिन इस वक्त मुआशरे के अंदर जो कुछ हो रहा है मैं उसकी निशानदेही कर रहा हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाल को कभी कह न सका कंग, बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, नए अबलाए मस्जिद हूं नए तहजीब का फरजंद।
मैं कहता हूं अगर झूठों के पीछे चलोगे तो रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे तुमसे। ये जुर्रत क्यों करते हो, ये हिम्मत क्यों करते हो, क्यों झूठे दावे करते हो? सच बोलो, तुम्हारे पीछे कोई लगे या ना लगे इसकी परवाह नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूलू कौलन सदीदा। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों सीधी सीधी बात करो, फिर क्या होगा? युसलिह लकुम आमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वो तुम्हारे अमाल भी ठीक कर देगा, तुम्हारे बख्शिश भी फरमा देगा। ना लोग इकट्ठे हो, ना लोग इकट्ठे हो, ना मजमा बने, ना हल्का बने। यार यहां तो 72 हो तो वो भी कबूल है। यहां मकदार नहीं देखी जाती, यहां मयार देखा जाता है। सर नहीं गिने जाते, दिल गिने जाते। यहां ये देखते हैं। मत लोगों को जो है वो खिलौने दे के बहलाओ और लोगों की अकीदतों को लूटो और लोगों के साथ जुल्म करो, ज्यादती करो, अपनी आखत भी काली करो और लोगों की आखत भी काली करो। आप देखें दाएं बाएं, अपनी नजर रखें, निगेबा बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे। चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगेबा की, कोई हक का मुसाफिर तलाश करो, चाहे उसके कपड़े फटे हुए हों, करामत उसकी ना हो सारी जिंदगी के अंदर, लेकिन मोहम्मद अरबी की गुलामी तो हो ना। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी कोई करामत? फरमाने लगे, इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है, इतने गुनाहों के बावजूद जमीन पे चल रहा हूं और जमीन मुझको धनसा नहीं लेती अपने अंदर। हमारे बुजुर्गों की तो कहानियां ये थी, और आज थोक के हिसाब से करामतें दी जा रही हैं। आज के पीरों की इतनी करामतें, गौस पाक की भी इतनी करामतें बयान नहीं होती जिनकी इनकी करामतें बयान हो रही हैं, धड़ाधड़ करामतें बयान कर रहे हैं। एक बंदे के यहां बच्चा पैदा हुआ और उसने ये शोर कर दिया कि ये रमजान के दिनों में दूध नहीं पीता, इसलिए कि हजरत गौस पाक भी नहीं पीते थे, वो भी पैदाइशी गौस थे और ये भी पैदाइशी गौस है और रमजान के दिनों में दूध नहीं पीता। अच्छा, कोई 2-4 माह गुजरे तो उस गौस की मां को तलाक दे के नई औरत से शादी कर ली। मैंने कहा कम से कम इतना तो ख्याल रखते, जिसने गौस जन्म दिया है उसको तो इज्जत से घर से रखते। तो ये क्या तमाशे हैं, क्या लोग बेवकूफ हैं? अब लोग समझने लगे हैं, लोग जो है वो इन वजह से फिर दूर दीन से होते हैं, नुकसान ये होता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, दुनिया से हक नापैद नहीं हुआ। अगर मदारी घर मौजूद है, डाकू लुटेरे और चोर मौजूद है, तो हक का डंडोरा देने वाले भी इस धरती पर बसते हैं। हमारा रवैया यह है कि हम किसी एक शख्स से बदजन हो जाते हैं तो पूरे तबके से बदजन हो जाते हैं। कई बंदों को मैं सुना, जो मैं देखा हुआ पीरों को, और तूने देखे हुए नहीं है जिनको मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, शायद आपने देखे ना हो, मगर ऐसे भी ऐसे लोग भी हैं कि जिनको देख करके जिंदगी गुजारने का ढब आ जाता है, सलीका और तरीका आ जाता है। उन लोगों की तलाश करो। अगर एक दुकान से कपड़ा सही ना मिले, सौदा सही ना मिले, तो आप जो है क्या खाना पीना छोड़ देते हैं? आपको पता पूरे शहर से मिठाई कहां से अच्छी मिलती है, आपको पता पूरे शहर से कपड़ा कहां से अच्छा मिलता है, आपको पता पूरे शहर में जो है वो फलां चीज अच्छी कहां से मिलती है। दीन भी ढूंढो कहां से खालस मिलता है और कहां से ना खालस मिलता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, झोली में यूं ही डाल दिया जाएगा? उसके लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, एक से धोखा खाओगे, दो से खाओगे, तीन से खाओगे, लेकिन जो तुम धोखा खाओगे तुम तो रब के नाम पर खाओगे ना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी, जो गुलाम लंबी नमाजें पढ़ता उसको आजाद कर देते। गुलामों को समझ आ गई, लंबी नमाजें पढ़नी शुरू कर दी, आप आजाद कर देते। किसी ने कहा, उमर तुम तो भोले आदमी हो, ये नमाजें अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, ये आजादी के लिए पढ़ते हैं। तो हजरत उमर ने कहा, ये मुझे अल्लाह के नाम पे धोखा देते हैं, मैं 100 बार खाने के लिए तैयार हूं। एक जगह से धोखा खाया, दो से खाया, तीन से खाया, चार से खाया, जब तुम्हारी नीयत ठीक होगी मंजिल जरूर मिलेगी। ये हो नहीं सकता। खुरश दे बदुर्रा जो कुब को हमाम के यक रोज उफ्तद हुमाए बदाम। साजी कहते हैं, चारा डालता जा, दाना डालता जा, कभी तितर आएगा, कभी मोर आएगा, कभी कबूतर आएगा, फिर एक दिन जिसको तू तलाश करता है वो हुमा भी तो आ ही जाएगा ना। इसलिए हक के सफर को ना छोड़ना, चलते रहना और राह हक की जो है मंजिल पर जो है वो इंशाल्लाह एक दिन जरूर गामजन होगे।